बाकी लोगों के और हमारे ऑफिस में फर्क पता है क्या है? ये लोग 9 बजे जाते हैं, 6 बजे घर आते हैं, इनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा काम सारा दिन चलता था। एक्शन। तो ये देखो भाई, आज हमारे रसोई में आए नए कुक, वो भी एक नहीं दो दो। नोनू बाबू लग रहा ना आज एकदम, है ना? ये तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन की शुरुआत ना कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई है, मतलब पूरे रेडी शेडी हो गए हम जा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस ली मेरिडियन, हमारा एक शूट है। शूट किसके साथ है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी, हमारे सुनील ग्रोवर जी, उनको तो आप जानते होंगे, अब ऐसा तो बोल नहीं सकते उनको नहीं जानते। तो उनकी कोई मूवी है, उसके लिए हमें एक रील शूट करनी है। मैं भी रेडी हूँ, अभी रेडी, फुल रेडी। अभी यहाँ से जाएंगे, 10 बजे हमें पहुंचना है। मेरे को लग रहा है हम पूरे टाइम से पहुंच जाएंगे। हमेशा क्या होता है ना, जहाँ भी हमें जाना होता है हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन आज लेट नहीं होने वाले, पूरे रेडी है। कुछ खाया पिया नहीं है, निकलते हैं, वहीं पर जो खाना होगा वहीं देख लेंगे। चले भाई, आज हम दोनों बाबू बच्चा बन के जा रहे हैं, और खाली हम दोनों नहीं जा रहे, जो हमारी मैनेजर साहब है वो भी जा रही है, उनको रस्ते से लेंगे और गायब हो जाएंगे। अरे खोले तो सही, कैसे चले? खुल जा सिम सिम, ये भी ठीक है भाई साहब, बहुत जान आ गई है। तो आज ना मैं गाड़ी नहीं चलाता, सबीरन चलाएगा। मेरे को ना थोड़ी स्क्रिप्ट वुड याद करनी है, एक ही घंटा अपने पास, वहाँ पहुँचते पहुँचते सब कुछ याद होना चाहिए। इस बच्चे को भी लिफ्ट दे दो, सब्जी लेने। हाँ आ जाओ फिर, आ जाओ, हम भी सब्जी लेने जा रहे हैं कनॉट प्लेस तक। सब्जी जा रहा, दूर लेने नहीं जाना आपने कनॉट प्लेस? चलो भैया, नींद पूरी नहीं कराते। अरे तो नींद पूरी तो है, रात को हम 1 बजे आए पार्टी करके और सुबह 9 बजे हैं, निकल गए हैं। तुम तो फिर करते पराठे वराठे खा के आई होगी। कोई पराठे खा के, ये बेरीज लेके आई हूं मैं। बेरीज कुछ तो खा के आए हो, जो खा रहे वही खिला दो। खिला दो, ये तो सही लग रही है देखने में। टोक मत दियो, कई बेरीज खाते खाते गाड़ी को बेरी बना दे। दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हां, मुझे लग रहा है मेरा पेट भर गया। बेरी, ये सब के सब भाई ऑफिस जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं काम पे। हाँ, सही बात है भाई, हमारा ऑफिस तो यही है ना। हाँ। बाकी लोगों के और हमारे ऑफिस में फर्क पता है क्या है? ये लोग 9 बजे जाते हैं, 6 बजे घर आते हैं, इनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा काम सारा दिन चलता रहता है। जब तक हमें लगता नहीं कि हाँ, आज की वीडियो कम्प्लीट होगी। रात को 1 बजे भी हम शूट कर रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ के एडिट कर रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है। मतलब लगा लो, लोग देखते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे क्या ही मेहनत कर रहे हो, वीडियो तो बना रहे। नहीं भाई, वीडियो बनाने में और ज्यादा मेहनत है। रोज कंटेंट सोचना है, क्या बनाना है क्या नहीं, फिर एडिटिंग सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, फिर क्या काटना है क्या रखना है, बहुत सारी चीजें होती है। थंबनेल सोचना है, टाइटल सोचना है, उसके बाद में पता लगता है कि भाई पैसे तो आ ही नहीं रहे। मेहनत इतनी ज्यादा कर ली है, कॉपीराइट और आ गया भाई साहब। तो भाई हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ हमारी एक और दोस्त भी जा रही है। ये देखो गाड़ी पे ये मकड़ी सी बैठी है, अब नजर आ रही है ना, ये देखो ये भाई, मैं तो कह रहा हूँ इसको उड़ा दे भाई पर से, क्या कहता है? अरे उड़ा दे भाई। अरे नहीं, यार। अगर यही मकड़ी भाई शीशे से गाड़ी में आ जाए ना, ये उछल के भाई नीचे कूद जाएगी। कूदेगी कूदेगी है, मकड़ी को कुछ नहीं कहना, लेकिन मकड़ी आगे में चक मार दे, हमें स्पाइडरमैन बना दे, हम जाले फेंक फेंक के मारे, वो बढ़िया है, लेकिन मकड़ी को कुछ नहीं कहना। देखो रैंगलर, जब मैं गाड़ी देखता ना, मेरे को लगता है कि भाई ये भी ले सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लग रही है ना। नहीं। अच्छी खासी है भाई, लंबी चौड़ी, क्या नहीं, सही नहीं लग रही? अच्छी लग रही है, आपके चचे की भी। चचे की ना? हाँ भाई, तू अपना भाई है, आप तो सही कर रही है, ये अपना भाई है। तो अभी हमारा शूट शुरू होने में पूरे 10 मिनट है, तब तक हम यहाँ बैठ के ना ये वाला व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। रोलिंग,
सच बता रहा हूँ, मतलब जब मैं आया था ना, मतलब इतना ज्यादा मतलब घबराया हुआ था कि भाई सर के साथ शूट है, कैसा फील होगा, मतलब गुस्से वाला मैं भी घबराया हुआ था कि प्रभजोत के साथ शूट है, गुस्से वाला तो नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, लेकिन मैं आया ना जैसे टीवी पे देखते हैं हम लोग, वैसे ही बिल्कुल एकदम मजा के, और शूट पता नहीं लगा कब खत्म हो गया, मतलब रियल में कि प्यार प्यार में। थैंक यू सर। और सर की मूवी आई है Z5 पे यूनाइटेड कच्चे भाई, जिसने नहीं देखी ना जाके देखना, मैंने तो देख लिया, बहुत बढ़िया, मतलब देख लोगे दिल खुश हो जाएगा। जब अंदर गए थे ना, मतलब एकदम छाया वाला माहौल था, जैसे बारिश होने वाली है। जब शूट खत्म करके बाहर आए तो माहौल ऐसा हो गया, वो आंखें ऐसी नहीं होती धूप पे एकदम से आते, जैसे 3-4 दिन बाद बाहर निकले, अरे भाई ये क्या हो गया। अभी का सीन ऐसा है, घर से कुछ खा के तो आए नहीं थे, यहाँ पर पास में ना बंगाली मार्केट है, मेरे को नहीं पता इसका करना, पहले यहीं पर था, मतलब ये आसपास यहीं कहीं रहती थी, तो इसने बताया बंगाली मार्केट है, वहाँ जाएंगे। क्या मिलेगा खाने का वहाँ पर? पूड़ी छोले वोले मिलेंगे? चलो ठीक है, पूड़ी छोले खाएंगे, काफी दिनों के खाए नहीं। एक जगह गाड़ी रुकवा दो जहाँ सब कुछ मिल जाए, यही लगा दे, यही लगा दे। चावल है कि नहीं, दाल चावल? भाई हर जगह दाल चावल थोड़ी खाना होता है। सबसे पहले इसने ऊपर देखा भाई, महाराजा थाली दाल चावल। लेकिन अब क्या खा रहा है? क्या बोलते उसको, तू बताना, अब भूल ही गया। ये खा रहा है डोसा इडली सांभर। भाई मैं तो पहली गाड़ी में सोच के आया था कि छोले भटूरे खाऊंगा, और मैंने वही ऑर्डर करे। इसको जाना है रजौरी मार्केट, तो हमने बोला भाई हम तो नहीं जा रहे, कह रहे किसी मुर्गी को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। मुर्गी ये कह रहा है, मुर्गी का तो वहाँ कोई तंदूरी बना के खा जाएगा। हमारे में क्या होता है ना, कुछ काम होता है तो यार कोई बकरा पकड़ना पड़ेगा, किसी को बकरा बनाना पड़ेगा, लड़कियों में आई थिंक मुर्गी होता है, कोई मुर्गी उसने बोला भाई कोई मुर्गी पकड़नी पड़ेगी, मुर्गी काटनी पड़ेगी। मतलब लड़कों में बकरा होता है, लड़की मुर्गी। अब इसको एक मुर्गी चाहिए भाई रजौरी मार्केट जाने के लिए, कोई भी मुर्गी रेडी है तो बता दे, घर मत आना भाई, घर आओगे तो हम दोनों बना के खा लेंगे। बारी बार मिलना और बारी बार होके आ जाना। ये देखो घूम करके दिखा दो, देखो अरे यार ये भैया नहीं जीने देंगे। ओह माय गॉड, कितनी गंदी रही गाड़ी चला था। आपकी गाड़ी में तो बहुत पावर है भाई, मिनी कूपर है भाई इंजन, इसमें मारुति का नहीं है, मिनी कूपर का BMW अपने को आ रही है। अब तगड़ी नींद, लस्सी पी लिया ना, लस्सी पीने के बाद तो ऐसा होता है कम से कम 1 या 2 घंटे की नींद चाहिए। अभी आधा घंटा यहाँ सोचता हूँ, घर पहुँचने में लगा, घर जाके 1-1.5 घंटा सो जाऊंगा, सुबह जल्दी उठे भाई। गुड़गांव की सबसे बड़ी शिव मूर्ति है ये, अभी आएगी थोड़ा आगे जाएगा ना। कल से तो बारिश भी नहीं हुई, फिर पानी कैसे बढ़ गया, मेरे को लग रहा है यहाँ का नाली नुली खुली हुई है, उसमें से बाहर आता रहता है। देखो जरा यहाँ कौन आया है। कहा जा रहे हो, अरे बात तो सुनते जाओ यार। देखो इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे आरिफ भाई हैं। 2 महीने पहले इनको मैंने कॉल किया, भैया एक अलमारी आपको बोला था, सिलेंडर हमारे पास हवा में पड़े हो, अलमारी में डाल देंगे। कह रहे यहाँ से रिक्शे वाला अलमारी लेके निकल गया है। तो ये ऐसा कौन सा रास्ता था, कहाँ से आया वो घूम फिर के, मतलब इंटरनेशनल कहीं से पहुंच के नहीं पाया, मतलब 2 महीने तक। बताओ ना जनरल वाला, आपने बोला था ना रिक्शे पे हवा दी और निकल गया है, फिर भाई इतना फिर झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों, फिर लग जाएगी, फिर रोएगा वो। सारा दिन ये दोनों यही करते हैं, सारा दिन। ट्यूशन नहीं जाना तूने, तेरा ट्यूशन का टाइम हो गया? 4 बजे 5 बजे कितने बजे? 5 बजे जाना है, फिर ठीक है, अभी तो टाइम है, अभी तो 2 बजे हैं, अभी 3 घंटे हैं। तो ये देखो भाई, आज हमारे रसोई में आए नए कुक, वो भी एक नहीं दो दो। क्या बनाया मैडम? भाजी। किसकी भाजी? बीन्स, आलू बीन्स। हाँ, और दाल। और दाल, अरे दाल रेडी, बीन्स भी रेडी, चावल भी रेडी, क्या बात है। और अपने को फिजियो भी जाना है भाई, तो ये खा के जाएं या आके खाएंगे? खा के
अरे ये भी ठीक है। तो एक्चुअली मैं तो अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, ये दोनों बोर हो रहे थे तो कहते खाने ही बना लेते हैं। मैंने बोला रहने तो, दीदी आके बना देंगे। अरे नहीं, हम बनाएंगे, हम भी तो दिखाते हैं हमें क्या बनाना आता है। मतलब चलो बनाओ, आज इनका टेस्ट है। चलो भाई चलो। वैसे डिनर का टाइम अपना 10 बजे का होता है, लेकिन ठीक है यार, बना दिया तो देख के ना भूख लगने लग गई है, खाई लेते हैं ना। पता जब भी मैं फ्रीजर जाता हूँ, फ्लैश कहाँ से जल गई। हाँ ठीक है ना, जब भी मैं फ्रीजर जाता हूँ कुछ खा के नहीं जाता, पहली बार हो रहा है। चावल वावल दाल सब्जी एकदम पेट ना यहाँ तक भर के जा रहा हूँ। अगर फिजियो करते हुए बाहर आया ना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। और ये मैडम के शूज भी ले लिए, हमारे घर पड़े हुए थे। तो वो देखो पीछे एक सेंटर फंस गई है भाई, गड्ढा था वो पटरी के थ्रू फंस गई है। अभी 2-4 बंदे लगे हैं उसको निकालने में। गड्ढा दिखा क्यों नहीं, क्योंकि रोड में भरा हुआ था पानी। पानी की वजह से गड्ढे दिखते नहीं जब अंदर जाती है। एक्चुअली उसका बम्पर ही ना जमीन पर अटक गया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो जब सुबह शूट खत्म करके घर आए थे ना, तो सोच रहा तगड़ी वाली नींद लूंगा, वाला आराम से 2-3 घंटे तो कम से कम सोऊंगा। लेकिन काम इतना पेंडिंग था, वीडियो एडिट करनी थी। अभी मैं ऑल्टरनेट डेज में वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा। कभी कुछ काम कभी कुछ काम, फिर एक बैठ के मैंने वीडियो एडिट करी लेकिन अपलोड नहीं करी। उसको करूंगा सुबह 10 बजे। मेरा क्या रहता ना कि सुबह 10 से दोपहर के 3 बजे अगर आपने वीडियो डाल दी उसके बाद मत डालो, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है कि व्यूज का फर्क पड़े। क्योंकि जब ताजी वीडियो डाल दो ना, बंदा क्या करता है कि एक दिन पुरानी वीडियो तो देख लेता है। अगर उसको 2 दिन हो जाए ना कि हाँ बाय चांस मैंने 3 या 4 बजे वीडियो डाली तो कुछ बंदों ने देख ली, और जो सुबह देखते हैं वो अगले दिन सुबह देखेंगे आ रहे इस वीडियो को तो 2 दिन हो गए, फिर वो देखते ही नहीं, उससे व्यूज का फर्क पड़ता है ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए वीडियो एडिट करके रख ली है, अभी भी नींद आ रही है। अब सोच रहा हूँ फिजियो करके आऊंगा ना, फिर जल्दी सो जाऊंगा। अच्छा पूरा व्लॉग बन गया, तो इसको याद आ गया लाइट भी जलानी है, ये भी अच्छा है। वेलकम टू दुबई मेरे दोस्त। कभी भी आओ दुबई। तो ये है देखो एपी का बच्चा, इधर देखो इसका नाम क्या है मैम? इसका नाम है पेपी। पेपी तो ये एपी का बेबी है ना? ओ पेपी ट्विन सिस्टर है, ट्विन ब्रदर हुआ ना, सिस्टर क्यों हुआ? एक्चुअली एपी ने भाई कटिंग करा लिया। इधर तो देख, ये ले आप, देखो कैसा सा लग रहा है ना एकदम। मैम कह रही चूहा सा निकल आया छोटे चूहे शरारती, लेकिन वैसे का वैसे ही है, तेरी शरारत निकम हुई। नोनू बाबू लग रहा ना आज एकदम, है ना? कह रहा फालतू मत बोल, कसम से घुसंटी घुसंट दूंगा। एक बार जोर कर दे, फालतू बोल रहा है ये कौन है तू? ऐसा लगता था जैसे मोटर चल रही है, घर की मोटर पानी भरने वाली। अभी चाय पियोगे? अभी चाय पिएगा, ले ये ले। ये देखो भाई आज फिर साइकिल चला के आ गई है। जाते टाइम मैं चलाऊं क्या साइकिल? नहीं, तुम ही चलाओगी? हाँ। तो मैं कब चलाऊंगा? मैम ज्यादा जरूरत मेरे को है या इसको साइकिल चलाने की, ये बताओ। जरूरत तो मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं है, पता नहीं क्यों अपनी मेहनत खराब काम ही खत्म कर दिया बाइक का। यार इतनी महंगी महंगी बाइकें खरीदी हैं तुम लोगों ने, फिर तुमको पैडल ही मारने हैं। अरे मैं तो इसलिए लाया ना ताकि मेरा ये पैर और खुल जाएगा ऐसे 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 करके, है ना? मेरे लिए तो काम करेगा ना, ज्यादा बढ़िया। बस अब जाते हुए मैं चलाऊंगा, शुरू करोगे टाइम चालू हो जाएगा। 1, 2 का 4। हाँ बस, हाँ बेचारा एपी ना दब जा नीचे। ये तो हैंड सब कुछ हो गया इसके अंदर। हाँ सिर्फ 11 सेकंड करा तुमने, अब समीरन करके दिखाएगा। चल भाई तेरी बारी भाई, ये आ गया फुल जोश में, अभी देखो पलटी मार के साथ वाले घर में निकल लेगा। नहीं नहीं आराम से, हाँ भाई ऐसे ऐसे सुनो, प्यार से करना, दूर से भाग के नहीं आना। दीवार के सामने ऐसे खड़े हो ना, पैर ऐसे रखना ऊपर पहले, फिर ऐसे जाना धीरे से, हाँ इसकी तरह मत करना। हाँ तो करना, वैसे कर, हाँ करते करते करना। अरे करना तो यार ये देख हो गया था, मैं कह रहा हूँ 90% हो गया था। थोड़ा दीवार के तरफ और हो जाता ना, एक बार टिक जाता तू वहाँ पर। 1, 2, 3 को ओ भाई, ये अब ये पुशअप मार के दिखाएगा इसी में, देखा देखा मैं कह रहा हूँ ना कर देगा बेटा, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसको देखना एपी को, यार मैंने साइकिल को लॉक नहीं किया है। कर दिया कर दिया। ओ यार दे दो मुझे, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अरे दो पहले लड़ रहे हैं ना, तीसरा और आगे, मुझे दे दो है। और जिसकी चप्पल है उसको दो भाई।
मेरी चप्पल है और आप अपने चप्पल है। हम लोग एक्सरसाइज करके निकल गए हैं, तो पहले प्लान होता साइकिल जाते टाइम मैं चलाऊंगा, फिर बाद में उन्होंने प्लान करा कोई भी नहीं चलाता साइकिल, वहीं छोड़ देते हैं। एक्चुअली क्या था ना, उसकी बैटरी थोड़ी लो थी, तो कल करते हैं चार्जर लेकर आएंगे, यहाँ चार्ज करेंगे एक घंटा, फिर इसको घर लेके जाएंगे, क्योंकि 15 किलोमीटर चलाना ऐसे आसान है कि हाँ थोड़ी पावर उसकी लग रही, थोड़ी हमारी लग रही, लेकिन खाली मैं ही चला के जाऊंगा ना तो ज्यादा पावर लगेगी, इसलिए मैं साइकिल को वहीं छोड़ दिया। अब घर जाएंगे, मस्त डिनर करेंगे, और कल की इसकी फ्लाइट भी वापसी। कितने बजे की फ्लाइट है? कल है मेरी 12 बजे की फ्लाइट। ओके ओके, 12 बजे की फ्लाइट है, मतलब देखो 9:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 2 घंटे पहले पहुंचेगा ना। तो भाई यहाँ आ चुकी अपनी बिरयानी, मेन बिरयानी नहीं है, मेन है टाइम। बातें करते करते टाइम का पता नहीं लगा, तो जस्ट अभी बिरयानी मंगाई है, बिरयानी खाएंगे, सो जाएंगे। और तुम्हें तो टाइम से सोना भी चाहिए, फ्लाइट है सुबह। हाँ। सोगे तभी तो उठोगे। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चलता यहाँ पे हम लोग का, उधर तो साला 10 बजे हमको ऐसे आ जाता है, मतलब 11 बजे तक हम लोग बिस्तर में चले जाते हैं। बातें करते करते टाइम का पता नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि अभी भी सुबह हुआ है। वो भाग गया वो डर के। ये कौन सी नई आवाज है भाई बुलाने की? ओ ओ आजा, ओए ओए आजा, देख रहा हूँ, कह रहा भाई क्या हो गया इनको, हमारे उधर ऐसे बुलाते हैं। वो सोच पता क्या रहा है, कह रहा वैसे तो रात को यहाँ कोई नजर नहीं आता, आज ये भाई रात के 12:30 बजे तक बैठे हुए, नींद ही नहीं आ रही इनको। ओ, 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 ओ। उसे लग रहा तू हंस रहा, तेरे हंसने का स्टाइल है ये। ठीक है यार, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको मजा आएगा इस वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो पर, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। आज पता नहीं नींद ही नहीं आ रही है, बड़ी सारी बातें अपने पास करने के लिए, तो बातें कर रहे हैं, अभी आधा एक घंटा और बैठेंगे, उसके बाद जाके सो जाएंगे। चलो भाई बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।